हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे सीमेंट के बारे में। यदि आप भी अपना घर बनाने के लिए प्लान कर रहे हैं या फिर बना रहे हैं, तो आप यदि कंफ्यूज है कि कौन सा सीमेंट यूज करें, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरह के अलग अलग तरह के सीमेंट अवेलेबल है, अलग अलग ब्रांड के सीमेंट अवेलेबल है, अलग अलग रेट में अवेलेबल है और अलग अलग ग्रेड के हैं। तो मैं आज आप लोगों को अलग अलग रेट का भी बताऊंगा कि मार्केट में अभी सीमेंट का क्या रेट चल रहा है, कौन सी कंपनी का क्या रेट है, कौन से ग्रेड का सीमेंट का अभी दाम कितना है, और आपको घर बनाने के लिए बिल्डिंग में कौन सा सीमेंट यूज करना चाहिए और किस टाइप का सीमेंट यूज करना चाहिए, आज उसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि सीमेंट वैसे देखा जाए दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पीपीसी और एक होता है ओपीसी। पीपीसी यानी पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट, ओपीसी यानी ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। यदि इन दोनों के बारे में आपको डिटेल में जानना है तो हमारे चैनल पे उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप उसको में जाकर देख सकते हैं। वैसे मैं आप लोग को थोड़ा मोड़ा इसके बारे में बता दूंगा, बट यदि डिटेल में आपको जाना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं और इसके बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों सीमेंट है, इन दोनों दो टाइप के बैग में आता है, एक नॉर्मल बैग में आता है और एक पेपर बैग में आता है। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जो सीमेंट का वेट होता है वो होता है 50 kg, 50 kg का वेट का ही सीमेंट आता है। इन दोनों बैग में ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा क्या कोई कंपोजिशन के लिए डिफरेंस नहीं है, सिर्फ अंतर है तो पैकिंग में डिफरेंस है। पहले जो हम लोग सीमेंट यूज करते थे वो गनर बैग में आता था। गनर बैग से ये होता था कि उसमें सीमेंट का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता था, उसमें एयर चल जाता था, वाटर और भी कभी कभी चल जाएगा। जैसे कोई आप ऐसा साइट पे काम कर रहे हैं जहाँ पे वाटर जाने के चांसेस है, तो उसके अंदर इजीली जा सकता था, या फिर कैरी करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन के टाइम में भी, और एयर इजीली एब्जॉर्ब भी कर लेता था, तो उसमें हमारा लॉस ऑफ सीमेंट ज़्यादा हो जाता था। इसलिए हम लोग उसको यूज करना बंद कर दिए और आजकल जो आने लगा वो पेपर बैग में आने लगा है। पेपर बैग से ये होता है कि आप उसमें जब ट्रांसपोर्टेशन या फिर लोडिंग अनलोडिंग के टाइम में जो लेबर लोग रहते हैं वो हुक लगा के यूज करते हैं, तो उसे इजी होता है पेपर बैग से कि आपको हुक लगाएंगे तो जो आपको सीमेंट है वो बैग से बाहर नहीं आएगा और आपको ज़्यादा लॉस भी नहीं होगा, उसके अंदर एयर नहीं जाएगा। तो पेपर बैग और नॉर्मल बैग में, अब पेपर बैग जो होता है मैं आपको बता दिया, नॉर्मल बैग जो होता है ऐसे जो प्लास्टिक टाइप के देखते हैं जो आजकल आप लोग या फिर बहुत पहले से भी यूज कर रहे हैं, तो वो हो गया नॉर्मल बैग। तो दोनों में ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये है कि पैकिंग का डिफरेंस है। तो दोस्तों, ओपीसी का बात करें, ओपीसी सीमेंट का, तो इसका तीन ग्रेड होता है, एक 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड, और इन तीनों का अलग अलग कंपनी का अलग अलग रेट भी है और वैसे ही पीपीसी का भी है। यदि हम लोग रेट का बात करेंगे तो पीपीसी सीमेंट का जो रेट होता है वो थोड़ा सस्ता होता है, थोड़ा उसका चीप होता है कंपेयर टू ओपीसी, और ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, आपको 5 रुपये या 10 रुपये या फिर मैक्सिमम 15 रुपये तक का डिफरेंस रहेगा, उससे ज़्यादा दोनों के बीच में पर बैग 10 रुपये पर बैग आप एवरेज ले सकते हैं। जो 10 रुपये पर बैग ज़्यादा महंगा होता है ओपीसी सीमेंट पीपीसी के कंपेयर में, फिर भी लोग कभी कभी ओपीसी सीमेंट यूज करते हैं। जहाँ यदि मान लीजिए आपको कंस्ट्रक्शन करना है और आपको घर जल्दी बनाना है, तो उस टाइम पे आपको कंस्ट्रक्शन बहुत जल्दी चाहिए, क्योंकि जो ओपीसी सीमेंट होता है वो स्ट्रेंथ जो होता है बहुत ही कम टाइम में गेन कर लेता है, तो उस टाइम आप ओपीसी सीमेंट यूज कर सकते हैं। और उसको क्यूरिंग करने के लिए भी, मतलब पानी देने के लिए भी, आप 7 दिन उसका सफिशियंट रहता है, आप 7 दिन ही सिर्फ पानी देंगे तो सफिशियंट रहेगा ओपीसी के लिए। मैं आप लोगों को ओपीसी और पीपीसी का पहचान करने के बता देता हूँ। सीमेंट बैग पे आपका लिखा भी रहेगा, जैसे पूरा फुल फॉर्म आप लिखा रहेगा पोर्टलैंड पोजलाना सीमेंट। यदि आप नहीं भी लिखा रहता है तो आप आईएस मार्क होता है, जो ओपीसी का आईएस मार्क होता है वो ब्लैक कलर में होता है, और जो पीपीसी का आईएस मार्क होता है वो रेड मार्क में होता है। आप देख भी सकते हैं सामने में, ये रेड मार्क का है पीपीसी का आईएस मार्क, ये उसकी पहचान करने के तरीके हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को थोड़ा रेट बता दे रहा हूँ कि अभी मार्केट में क्या रेट चल रहा है,
पीपीसी सीमेंट का। यदि पीपीसी सीमेंट का हम लोग बात करें अल्ट्राटेक कंपनी का, तो वो आपका 315 रुपये नॉर्मल बैग का है और 340 रुपीज़ पेपर बैग का है। तो बात करें अंबुजा सीमेंट का, तो अंबुजा सीमेंट का जो रेट है वो आपका 290 रुपीज़ है नॉर्मल बैग का और 300 रुपीज़ है पेपर बैग का। और यदि रामको कंपनी का बात करें, तो रामको कंपनी का जो रेट है वो आपका सेम है करीब जो आपका अंबुजा सीमेंट का ही है, उसी के लगभग में इसका 280 रुपीज़ है नॉर्मल बैग का और पेपर बैग का है 290 रुपीज़। दुर्गा गार्ड का बात करें, तो दुर्गा गार्ड का रेट है वो आपका है 270 रुपीज़ नॉर्मल बैग का और पेपर बैग का है 290 रुपीज़। तो मतलब बाकी जो सीमेंट है, अंबुजा सीमेंट हो गया या दुर्गा गार्ड हो गया या फिर ACC सीमेंट का बात करें, तो ACC सीमेंट का जो रेट है वो है आपका 290 रुपीज़ नॉर्मल बैग और पेपर बैग का है 300 रुपीज़। तो ये बाकी जितने भी सीमेंट है कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है। तो आप कंपनी पे मत जाइएगा, आपको सारे कंपनी का जो कंपोजिशन होता है नॉर्मल सेम ही रहता है, जो थोड़ा मोड़ा डिफरेंस रहता है वो डिपेंड करता है वो ब्रांड के ऊपर, तो ज़्यादा का डिफरेंस नहीं रहता है, पर बैग यही 15-10 रुपये का अंतर में ही रहता है। लेकिन ज़्यादातर लोग अल्ट्राटेक का सीमेंट यूज़ करते हैं, ACC का भी यूज़ करते हैं, तो आपको जो अच्छा लगे आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको बता भी दिया कंपोजिशन में ज़्यादा कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहता है, बहुत स्लाइटली डिफरेंस रहता है। और मैं आपको ये भी रेट भी बता दिया PPC सीमेंट का, आजकल लोग ज़्यादातर लोग PPC सीमेंट का ही यूज़ करते हैं। देखिए, आपको घर बनाने की जल्दी नहीं है, यदि आप चाहते हैं कि जो आपको कंक्रीट का स्ट्रेंथ वो ज़्यादा हो तो आप PPC सीमेंट का यूज कर सकते हैं, क्योंकि PPC सीमेंट से जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है और उसका अमाउंट भी कम रहता है कंपेयर टू OPC। लेकिन इसमें आपको क्यूरिंग करने के लिए मिनिमम 14 दिन चाहिए ही, आपको 10 दिन से लेकर 14 दिन के बीच में आपको मिनिमम ज़रूरत रहेगा वो क्यूरिंग करने के लिए PPC सीमेंट के लिए। अब हम लोग बात करते हैं OPC सीमेंट का। देखिए, OPC का टोटल हम जैसे कि मैंने बताया था 3 ग्रेड होता है, 33 ग्रेड, 43 ग्रेड और 53 ग्रेड। तब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कौन सा ग्रेड का सीमेंट कहाँ पर यूज करें, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। देखिए, जो 33 ग्रेड ऑफ सीमेंट है वो आमतौर पर लोग वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर स्ट्रेंथ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है, क्योंकि उसका लो स्ट्रेंथ होता है। और जो 43 ग्रेड का सीमेंट है वो PCC में, RCC में आप यूज़ कर सकते हैं, इवन प्लास्टरिंग में, ब्रिक वर्क में या स्टोन मशीनरी में या फिर पाइप में या फिर कोई ब्लॉकिंग में करने में, तो वहाँ पे आप 43 ग्रेड का सीमेंट यूज़ कर सकते हैं। और 53 ग्रेड का सीमेंट जो है आप फुटिंग के टाइम कॉलम, बीम, स्लैब, क्योंकि स्ट्रेंथ जो इसका रहता है काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है और ये इनिशियल जो टाइम रहता है स्ट्रेंथ बहुत जल्दी गेन कर लेता है, और 28 दिन के बाद जो इसका स्ट्रेंथ गेन रहता है का टाइम रहता है वो इंक्रीज नहीं करता, 28 दिन के बाद बहुत कम इंक्रीज करता है, जितना स्ट्रेंथ मैक्सिमम गेन करना हो 28 दिन में इंक्रीज कर जाता है। जबकि 33 और 43 ग्रेड का सीमेंट का जो रहता है वो 28 दिन के बाद भी अपना स्ट्रेंथ गेन करते रहता है। तो दोस्तों, मैं अब आप लोगों को OPC सीमेंट का अलग अलग ग्रेड का रेट बता दे रहा हूँ। OPC सीमेंट का यदि अल्ट्राटेक का सीमेंट ले रहे हैं तो 33 ग्रेड का नॉर्मल बैग का रेट है 260 रुपीज़ और पेपर बैग का है 285 रुपीज़। यदि 43 ग्रेड का यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल बैग का रेट है 320 रुपीज़ और पेपर बैग का दाम है 330 रुपीज़। और यदि आप 53 ग्रेड का सीमेंट यूज़ कर रहे हैं तो नॉर्मल बैग का रेट है 360 रुपीज़ और पेपर बैग का है 370 रुपीज़। दोस्तों, वैसे ही ACC सीमेंट का बात किया जाए तो इसका 43 ग्रेड का नॉर्मल बैग का रेट है 300 रुपीज़ और पेपर बैग का है 310 रुपीज़। और ACC सीमेंट का 53 ग्रेड का बात करें तो उसका नॉर्मल बैग का रेट है 340 रुपीज़ और पेपर बैग का है 380 रुपीज़। वैसे ही अंबुजा सीमेंट का बात करें तो अंबुजा सीमेंट में 43 ग्रेड का सीमेंट का नॉर्मल बैग का रेट है 280 रुपीज़ और पेपर बैग का है 290 रुपीज़। और 53 ग्रेड का बात करें अंबुजा सीमेंट का, तो उसका नॉर्मल बैग का रेट है 310 रुपीज़ और पेपर बैग का है 340 रुपीज़। दोस्तों, सेम टू सेम आपका दुर्गा गार्ड और रामको का भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ रेट में क्या डिफरेंस है। OPC सीमेंट का 43 ग्रेड का रेट है 270 रुपीज़ और पेपर बैग का है 295 रुपीज़। और 53 ग्रेड का नॉर्मल बैग का रेट है 330 रुपीज़ और पेपर बैग का 335 रुपीज़। वैसा ही रामको कंपनी का जो ब्रांड है उसका भी OPC का है 43 ग्रेड का 280 रुपीज़ और पेपर बैग का 300 रुपीज़। और 53 ग्रेड में बात करें तो नॉर्मल बैग का रेट है 330 रुपीज़ और पेपर बैग का है 350 रुपीज़।
तो दोस्तों आज मैं आप लोग को सीमेंट के अलग अलग कंपनी के अलग अलग ब्रांड का रेट भी बताया और इसके साथ में कौन से आपका ग्रेड यूज करना चाहिए ओपीसी का। यदि आपको जिस ग्रेड में जहाँ आपको सफिशियंट है वो ग्रेड यूज कर सकते हैं, उस टाइप का सीमेंट यूज कर सकते हैं, कौन सा बैग आपको सही रहेगा वो भी मैं बताया। तो आप में अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं कौन से रिक्वायरमेंट आपका फुलफिल कर रहा है सीमेंट बैग, उसके हिसाब से आप डिमांड कर सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, मैं आप लोग घर के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँगा जो आप लोग घर के लिए, अपने घर के लिए, खुद के घर के लिए भी बहुत ज़रूरी रहेगा। तो आप हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।